सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो में बात करेंगे कि रेज्यूमे कैसा बनाना है कनाडा में, और किस रेज्यूमे के हिसाब से आपको जॉब्स मिलेंगी, क्या करना है, कैसे बनाना है, इंडियन रेज्यूमे चलेगा या नहीं चलेगा, उस सब चीज़ के बारे में इस शॉर्ट वीडियो में आपसे बात करूँगा। आप सोच रहे होंगे कि एक दिन में दो वीडियोज़ कैसे आ रही है, चैनल डाउन हो चुका है, उसको खड़ा करने के लिए फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, शायद कंटेंट उस लेवल का नहीं बना पा रहा जिस लेवल का लोगों को चाहिए, पर अपनी तरफ से डबल मेहनत करने को भी मैं तैयार हूँ। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। रेज्यूमे में बेसिकली हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, हमारी जीमेल आईडी, हमारा नाम, हमारी क्वालिफिकेशन, हमने ये किया है फलाना ढिमकाना, अभी हम ये कर रहे हैं, अभी हमारा ये है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं इंडिया से ग्रेजुएशन करके आया था वाईएमसी यूनिवर्सिटी से, बीबीए करके आया था इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री फाइनेंशियल स्टेटस एंड बैंकिंग में, तो मेरा मैंने ये लिखा हुआ है। मैंने शेयर मार्केट का 6 महीने का इंडस्ट्रियल कोर्स किया है, मैंने डेरिवेटिव एनालिसिस करी है, मैंने और क्या करा है यार, देखो मैंने 3 इंडस्ट्री कोर्सेज करे हैं, और चार इंडस्ट्रियल कोर्सेज करे हैं जिसमें से मेरे को सिर्फ 2 याद है, ठीक है। और क्या किया मैंने बहुत कुछ किया, मतलब इंडस्ट्री से रिलेटेड मैंने रेज्यूमे में लिखा हुआ है, पर मेरे को ऐसा याद नहीं है। देख रहे हो, ये होती है पढ़ाई। और मैंने मेंशन कर रखा है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारी हॉबीज मेंशन कर सकते हो, पर भाई डायरेक्ट बिल्कुल इंडिया वाला रिज्यूमे मत शेप देना, यहाँ पे सब कुछ डिफरेंट होता है, ठीक है। मैंने पहली वीडियो बनाई हुई है रिज्यूमे के ऊपर, ठीक है। तो अपना तुम बस ये डाल सकते हो कि मैंने बैक होम बैचलर करा है या डिप्लोमा करा है या जो मर्जी किया है, मेरी ये क्वालिफिकेशन है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तुम्हारा फ़ोन नंबर वगैरह, तुम्हारी जीमेल आईडी, तुम्हारा एड्रेस डाल सकते हो, और तुम्हारा एक्सपीरियंस सबसे मैटर करता है। कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोस्टली ज़रूरत है भाई सेल्स की जॉब्स की, एंड कैशियर और कस्टमर एसोसिएट, जो कस्टमर अटेंड करते हैं, सेल्स एसोसिएट हो गए और कस्टमर डीलिंग हो गई, बेसिकली सेल्स की जॉब। अगर आपको सेल्स अच्छी तरह आती है ना, सेल्स की जॉब भाई हाथ ऐसे करके मिलेगी, ठीक है। और मैकेनिक की जो मैकेनिकल पार्ट आता है आपको, आपको टेक्निकल पार्ट आता है, तो वो सब डाल दो। अगर आपको कहीं आपने काम नहीं किया, आप खुद का ही काम करते थे, या आपको सेल्स का कोई नॉलेज नहीं है पर दिखाना है, तो आप डाल सकते हो कि फलाना ढिमकाना कंपनी में मैंने मैकडोनल्ड्स में मैंने विशाल मेगा मार्ट में ऐसा सेल्स एसोसिएट 1 साल काम किया है। भाई घंटा में वेरीफाई नहीं करते लोग, ठीक है, कोई वेरीफाई नहीं करेगा, बस ये दिखा दो कि मैंने काम किया है विशाल मेगा मार्ट में 1 साल, मैंने मैकडोनल्ड्स में इंडिया में 1 साल कैशियर का काम किया, वो दिखा दो, कोई चेक नहीं करता। इनके पास इतना टाइम नहीं है कि आपका वहाँ पे फ़ोन मिला के वेरिफिकेशन करेंगे, आपके सुपरवाइजर को फ़ोन करेंगे। तो ये सब आप डाल दो रेज्यूमे में, आपकी वेटेज बढ़ेगी, ठीक है। और क्या दिखा सकते हैं भाई, कम्युनिकेशन स्किल्स डाल दो। और अगर आपके पास कनाडा का एक, मतलब फॉर एग्जांपल आपने आते 1 महीना किसी स्टोर में काम किया एज अ प्रोबेशन पीरियड पे, तो वो डाल दो, तो आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो रेज्यूमे का मैं एक छोटा सा पार्ट इंस्टाग्राम पे अपलोड करूँगा, ठीक है, एक फ़ोटो, क्योंकि यहाँ पे नहीं डाल सकता, इंस्टाग्राम पे डालूँगा, जो जो मेरे को फॉलो करता है इंस्टाग्राम पे जाके, उसको वो दिख जाएगा कि ऐसा रेज्यूमे चाहिए। बेसिकली जो मेन मेन इन्फॉर्मेशन होंगी वो सारी हटा दूँ, क्योंकि मैं अपनी प्राइवेसी लीक नहीं करना चाहता। सो आज की वीडियो में बस यही था कि अपने एक्सपीरियंस दिखाओ, नहीं है तो फेक एक्सपीरियंस दिखा दो, कोई चेक नहीं करता। बेसिकली इनको एंड दी एंड ट्रेनिंग ही देनी है आपको, और कुछ नहीं करना, ठीक है। बाकी मस्त लाइफ, आ जाओ कनाडा, गर्मियाँ शुरू होने वाली हो गई हैं अब फिर से, 2-3 दिन से ठंड है, पर गर्मियाँ शुरू होने वाली है एंड मज़ा आ जाएगा, ठीक है, मचा देंगे यहाँ पे। तो अपना एक्सपीरियंस डाल के दिखा देना, मेरे को इंग्लिश आते, पंजाबी आते, फ्रेंच आते, तो आपके तो लग जाएंगे, मजे आ जाएंगे फिर, तो आपकी जॉब ईजिली लगेगी। फ्रेंच अगर आपको आती है तो कहीं आप तंग नहीं होगे, पर इंग्लिश और पंजाबी हिंदी डाल देना, 3 लैंग्वेज आती है, एंड सेल्स वगैरह सब आती है, डाल देना अपने रिज्यूमे में, एंड वॉक इन दे आना, किस्मत चमक गई तो आपको बहुत जल्दी बुला लेंगे। सो गाइज यही थी बस आज की वीडियो, बस इतनी। सो फिनिशिंग दिस व्लॉग विद सेम एनर्जी एंड सेम इंटेंसिटी, बाय।